अभी नपाय अभी कमेटी का लॉ एबीसी जगन्नाथपुर टीम के लिए सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूँगा विदेशी मूल की खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। ये को लड़ो कैसे कुकुरो अल्फ्रेड अंश और इसका एबीसी जगन्नाथपुर टीम के लिए लेजेंडर है नंबर 15 राहुल सोरेन जैसे नंबर 3 पर है टीम में आजाद अली दो नंबर जिसमें नेशनल प्लेयर है श्याम मुर्मू जैसे नंबर 11 पर है जबराम हसन जैसे नंबर 30 पर और अगर बात करें संगीत माड़ी 4 नंबर में साथ ही 13 नंबर में समीर मुर्मू जैसे नंबर 11 पे नजर आ रही है वर्षन मुर्मू 6 नंबर के जैसे पे नारायण मुर्मू जैसे नंबर 5 पे तहलका मचा चुके हैं। और देखने वाली बात है एक नई टीम नजर आ रही है अपना आज इस प्रकार से एबीसी जगन्नाथपुर बाबूलाल के विमल के नेतृत्व में एक समय था एक से बढ़कर एक टीम को प्राप्त करने की क्षमता रहती है लेकिन इस बार टीम देखने की बात है एकमात्र विदेशी मूल के खिलाड़ी एक थ्रू बॉल पे दाएं छक्के की खिलाड़ी को देने का प्रयास मिडफील्ड में फिर से बारी मिडफील्ड में बॉल पोजीशन लेने के बाद एक अच्छी तालमेल के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें बट बहुत ही उमदा सिर्फ सिंह यहाँ पर दिखाई दे जगन्नाथपुर बॉल पोजीशन है फिलहाल जगन्नाथपुर के पास कच्ची दिल्ली पर चेस्ट ऑन करने का प्रयास है लेकिन गेंद थोड़ी सी छुट्टी रियल मैड्रिड नाम बहुत ऐसे क्लब का नाम रखे हैं जो स्पेन की राजधानी बिल्कुल एक मिनट एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल क्लब के लिए जाने जाते हैं जगन्नाथपुर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी डिलीवरी हर बार क्वालिटी करने का प्रयास इस बार गुलाब दा पीछे पीछे जा पीछे 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 जा यहाँ पे कि हमें अपना बेहतरीन इस मैदान पर देना है धीरे धीरे मैदान के चारों ओर दर्शकों की काफ़ी तीव्र गति से बढ़ोतरी हो रही है सभी सम्मान्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग मैदान के बीचों बीच जो मैच देख रहे हैं आज का द्वितीय मैच रियल मैड्रिड पीली यूनिफॉर्म में और उसके प्रतिद्वंदी टीम यात्रा जी काफी चौथा मैच के लिए पीठ बनता एफसी सामने करेंगे पीआर एमएमसी पोखरिया आप भी रेडी रहेंगे बिल्कुल गुलाब का गोल की खोने के बाद जगन्नाथपुर के पैर में गेंद मैदान के बीचों बीच देखने वाली बात है। 8 नंबर खिलाड़ी गेंद को फैलाने की कोशिश जरूर की है दाएं छोर के अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी के पास गेंद मौके की तलाश में एक क्रॉस लगी है अच्छी हेड आई नहीं नाराजगी हेडर लेने से जो किसी ने जिस प्रकार से डिलीवरी है तो बहुत ही क्वालिटी प्रोवाइड यहाँ दाएं विंगर की ओर से बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी इनसाइड द बॉक्स बिल्कुल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी देखा गया है गुलाब दा क्रॉस एक ऐसा हथियार है अपने टीम के लिए प्रतिद्वंदी टीम को किसी भी समय मात दे सकती है बिल्कुल वहां पर सिर्फ टू टाइम्स की आवश्यकता लेकिन गति को है गेंद को रोकने में सफलता होने से बिल्कुल लाइन पास जगन्नाथपुर थोड़ा सा बेहतरीन फुटबॉल खेलता हुआ रियल मैड्रिड नाम के मुताबिक यहां पर अभी तक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और अभी तक का एक मौका गवा चुके हैं विदेश मुल्क के खिलाड़ी अब देखिए इस बार इसे बंडल ऑफ एनर्जी गलत बंटवारा मौका मिलेगा रियल मैड्रिड को हालांकि यहां पे फाउल करार दिया गया है मुझे लगता है रियल मैड्रिड की टीम आपको थोड़ा सा संभलना होगा और अभी तक बॉल पोजीशन के देखिए 60-40 का मैच होता हुआ और अपेक्षाकृत आए थोड़ा ज्यादा खतरनाक नजर आता हुआ थोड़ा ज्यादा पैना पर नजर आता हुआ हालांकि यहाँ पर गलत जगह पर बॉल गेंद को संभालने के बाद रियल मैड्रिड की टीम फिर से बात मौके की तलाश में खेल रही है टीम बिल्कुल टुकड़ों में
टीम को एक साथ खेला पड़ेगा। आजाद से सटीक जगह पर सही गेंद और इस बार बहुत ही बेहतरीन छोटी सी से फिर से बार गेंद के साथ आगे बढ़ता हुआ खिलाड़ी एक थ्रू बॉल पर अंश को ढूंढने का प्रयास से एक मौका गवाच गए मैच में। खेल के शुरुआती 7:30 मिनट में यहां पर एक बेहतरीन हेड होते लेने से चुके और इसी बीच निकाला गया। हालांकि खतरा बहुत ज्यादा दूर चली नहीं और अब पूरी तरह से खतरा फैल चुका है। हर गति के साथ नंबर थोड़ा सा बदल चुका है। नौ नंबर के जैसे भी गति को है थोड़ा सा व्यक्तिगत फुटबॉल खेलने का प्रयास से फुटबॉल सामूहिक खेल है इसलिए बिल्कुल गुलाब दा। हालांकि फिर से गेंद जगन्नाथपुर के पैर में आ चुकी है मैदान के बीचों बीच 8 नंबर यूनिफॉर्म में लंबे कद के खिलाड़ी जमीन बंटवारा परंतु गेंद रियल मैड्रिड के खिलाड़ी के पास बड़ा शॉट रिलीज हुआ परंतु गेंद बहुत ज्यादा दूर गई नहीं। फिर से जगन्नाथपुर के खिलाड़ी के पास स्पर्श रेखा के आसपास उतरी गेंद के साथ बढ़ते हुए 11 नंबर खिलाड़ी के पास अब जाके श्याम बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी बिल्कुल क्वालिटी ड्रिवन इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स बट हां गेंद रन में चुके हालांकि थोड़ा समय लेता हुआ बहुत ही क्विक रिलीज करता हुआ समांतर पास पर यहां पर जगन्नाथपुर अब थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक नजर आता हुआ और इस बार शॉट निकालने का प्रयास छोटी सी जगह से रियल मैड्रिड इन खेलोंडिया को हो जरा खेल रहे बाढ़ती बेस्ट जिनिस जोड़ा हुई हुआ हालांकि फिर से गेंद जगन्नाथपुर ने गेंद को वापस भेजी गोलकीपर का सहारा लिया अब इसी से पता चलता है कि कितना संतुलित टीम है जगन्नाथपुर की और इस स्थिति में देखिए हां लगेदार बीच में लगे छोड़ो मैंने इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए आज हम पूरी तरह से तैयार हो गए हैं फिर से वापस अल्फ्रेड हंस बंटवारा अब अच्छा हुआ था लेकिन पूरी तरह तैयार रहे तकनीकी क्षेत्र यानी कि मेडिकल जोन आपका प्रतीक्षा कर रही है गुलाब दा बहुत देर के बाद अपने आंगन से बाहर आते हुए रेड मेडिकल की टीम लेकिन उनके स्ट्राइकर पूरी तरह से तितर बितर हो चुके हैं बल्कि की तीनों स्ट्राइकर खिलाड़ी अरे नो डॉन सेंस गेंद विमल शाम मैदान के प्रेशर पर नजर आ रहे हैं तभी से जगन्नाथपुर की टीम और देखिए तो पर पीले कलर की जैसे में रियल मैड्रिड अभी से जगन्नाथपुर हमारे घाटशिला विधानसभा गड्डी में जहां तक बात कही रियल मैड्रिड तो ये सरायकेला डिस्ट्रिक्ट अड्डे में एड्रेस में मुड़कुम गांव का नाम लिखा है मुड़कुम की अगर बात करें तो ये गांव गम्हारिया थाना के अंतर्गत आते हैं। विधिकल्पी ग्रुप ए में एक टीम को शामिल किए थे आज साथ खेल रहे थे और आज ग्रुप बी में भी एक टीम को शामिल किए ये टीम के होने के कारण बहुत ही मुश्किल है लेकिन अब तक खेल बहुत ही बेहतर तरीके से दर्शाते दोनों टीम की खिलाड़ी 10 नंबर की खाड़ी अभी से जगन्नाथपुर टीम के लिए ऑल ओवर अच्छे मोमेंट बने सपोर्ट उनको नहीं मिला लेकिन जिनको देख रहे हैं ये फागु संग्राम बड़ी बात है अच्छा नौपा तो नाटक के कोई गोली पर होता तो फिर बॉल को कटपुर के राहुल फाइल लेता हुआ राहुल मौके की तलाश में प्लेन में बदलाव कर रखा आदाब क्या करते हैं आज सात नंबर पर सफल लेकिन विनय का हेडर 40% रियल मैड्रिड के पास बोल रहा है फिर शापद जमा रहा है सटीक जगह पर शाम के भर पर डाले जो खतरा हो सकता है रियल मैड्रिड टीम के लिए अच्छा मौका पास सजा देना चाहिए लेकिन राइट डिफेंडर के लिए
झारखंड ओडिशा बंगाल से हमारे फुटबॉल के प्रशंसक पहुंच चुके हैं। मौसम की अगर बात की जो कुछ समय पहले थोड़ा सा धूप था, अब आसमान में बादल छाए हुआ, हल्की हल्की मन मन मुस्कुराता हुआ हाँ के झोंके भी है। अच्छी जी बॉल और गोल पर्यंत वो टीम बराबरी स्थिति है। जे समस्त दर्शक मंडल एखन पहुंचे आम अपने देखे स्वागत जाना मठ मध्य ग्रुप बी प्रथम चक्रे द्वितीय खेला अपना देखते মাঠের উত্তর প্রান্তে বিশ্ব জগন্নাথপুর লাল কালার জার্সিতে আর দক্ষিণ প্রান্তে হলুদ কালার জার্সিতে রিয়াল মাদ্রিদ গামহারিয়া। इसी बीच राहुल बोल के साथ आगे बने का प्रयास करता हुआ एक मौका बन सकते हैं विश्व जगन्नाथपुर के लिए। तो सुनील जी जिस साम्राज्य विश्व जगन्नाथपुर अधिक से अधिक गेंद अल्फ्रेड की ओर इशारा करा रहे हैं, परंतु सही रूप से गेंद अल्फ्रेड अंश के पास अब तक आई नहीं और लिहाजा अभी तक ऐसा मौका बना भी नहीं है। वहीं पर रियल मैड्रिड के देखा जाए तो पहले हाफ के मुकाबले में द्वितीय हाफ में काफी अच्छा और शानदार शुरुआत की है, परंतु प्रभावी तरीके से अभी तक हमला नहीं कर पाया। फिर से तैयारी करता हुआ एबीसी जगन्नाथपुर मैदान के बीचों बीच थोड़ा सा बंटवारा, मौके की तलाश में हवाई रास्ते में गेंद हेडर कहीं और ये इनके दोहरी दबाव भी है बिल्कुल। और जिस तरह एबीसी जगन्नाथपुर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के एक अच्छे फुटबॉल का हब माना जाता है, आपको बता दें अपना जी सरायकला जिला के गम्हारिया क्षेत्र भी ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत अच्छे से फुटबॉलर अब तक दिए हैं और यहां से थोड़ा सा मौका मिलता हुआ परंतु बिल्कुल बिल्कुल हम चाहेंगे तीसरा मुकाबला के लिए संजू स्पोर्टिंग आर के एस राजद्वार। समय काफी कम है इसलिए समय पर लाइन पर जाएंगे मेडिकल जोन पे मैदान पर। बाद दिशा तो बदली सुनील लेकिन मैच का कहानी कभी भी नहीं बताया जाए। डिब्बा जगन्नाथपुर अभी भी निस्संदेह बहुत बड़ी टीम है लेकिन जिस प्रकार से खेल रही है एक भी मौका मैदान पर करने के बाद नहीं बना पाया है। इस बार क्या मौका बना पाएंगे लॉन्ग रेंज फर्स्ट है लेकिन हम समय पर मिला है यहाँ पे अच्छी है और गोल यहाँ अल्फ्रेड हंस नाम बड़ा दर्शन छोटा हो गया सुनील क्योंकि एक हेड के बाद फर्स्ट में जो मौका मिला था उसके बाद इनको सर्विस ज्यादा मिला नहीं और देखने वाली बात होगी इस के लिए तैयार है दो नंबर यूनिफॉर्म पर गति ओ बिल रियल मैड्रिड गेंद उस जगह पर चली है जहां पे अपने पक्ष के खिलाड़ी काफी दूर में नजर आ रहे हैं। जगन्नाथपुर प्रतीक्षा किया और बड़ी आराम से बेकार ज्यादा नजर आ रहे हैं और इस बार रियल मैड्रिड की टीम बिल्कुल थ्रू बॉल पे एकमात्र खिलाड़ी को सही समय पर राइट टाइम टू द राइट पास थोड़ा सा होल्ड अप पे ले और ये इस किक के बारे में ना कहे सुनील